यूपी की योगी सरकार के द्वारा लव्ज जिहाद के बढ़ते मामले को रोकने के लिए बनाए गए धर्मांतरण कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। धर्मांतरण कानून के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर सोशल एक्टिविस्ट आनंद मालवीय ने इसे चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जनहित याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट 5 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस अनिल कुमार ओझा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई हुई और जनहित याचिका में धर्मांतरण कानून को संविधान विरोधी और गैर जरूरी बताते हुए इसे चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इस कानून के सियासी दुरुपयोग किए जाने की भी आशंका जताई गई है। गौरतलब है कि धर्मांतरण कानून के खिलाफ पहले से ही 2 जनहित याचिकाएं दाखिल हैं। इन जनहित याचिकाओं पर यूपी सरकार पहले ही कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होने की उम्मीद है। धर्मांतरण कानून के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका जिसकी सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति अनिल ओझा ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि ये कानून जो धर्मांतरण कानून है ये संविधान के विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है और ये इससे इस कानून का कुछ राजनीतिक दल इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके पहले भी 2 जनहित याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इन सभी की सुनवाई संभवतः एक साथ हो सकती है और कोर्ट द्वारा इसकी सुनवाई 5 अक्टूबर को निश्चित की गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।